आगे तो उतने ना आगे चलो एक चैनल में सिंस किसमें ये तो बड़े लिख नहीं है मैंने देखा ये चीज ऊपर देखी मतलब तो अपन छोटे लिख कर तो पहचान नहीं है बड़े लिखे तो बड़े लिखे हमने चार्ज में हां वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा तो फिर वो क्या है या तो ब्लैक बोर्ड पर पड़ता है 12 मीटर ये चलो ये देखिए मैंने छोटे लिखेंगे लिखेंगे बड़े बड़े हां तो सबके सब आ जाओ जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई अपना आवाज वगैरह सब समझ में आ रही है थोड़ी बहुत देखा है वैसे तो मैंने ऑफलाइन वीडियो भी इसका चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन अभी जल्दी आओ रे तीन जने बैठे हो सबको बता दो जो भी है अभी रोहित भाई का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन टॉपिक जो चल रहा था अपना वो है अभी तक अपन ये पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था अपन ने उसकी बात की है ये वाला अपना पराकोष एंथर जिसको कह रहे थे फिर उसके बाद में ये वाला तंतु जिसको फिलामेंट कह रहे थे और यहाँ पर इसका ईओजी फिर इसको अपन ने क्या करा था ट्रांसवर्स सेक्शन काट करके और यहाँ पर अपन ने इस बीजाणुधानी की संरचना का निर्माण भी किया था और उसके बाद में बड़ा किसान अपन ने बताया था कि किस प्रकार से कौन सा बड़ा किसान बनता है ठीक है इस प्रकार से अपनी लघु बीजाणुधानी हो गई थी और लघु बीजाणुधानी की जो अपन ने परत जो देखी थी वो कितनी परत हुआ करते थे चार परत हुआ करते थे और इनके अंदर यहाँ पर जो है वो एक ऊतक होता था स्पोरोजेनेसिस टिश्यूज परागकण जनक ऊतक होता था अब वो क्या करता है आगे परागकणों का निर्माण करता है फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि परागकण जो है अरे जल्दी आओ रे तीन जने बैठे हो अभी तो जो परागकण है इसकी संरचना अपने देखी और परागकण की संरचना देखी तो अपने कैसा लगा कि इस प्रकार से है गोलाकार संरचना होती है और उसके बाहर की तरफ जो होती है एक लेयर और होती है गोलाकार स्ट्रक्चर अपने पढ़ी थी बाह्य जो परत होती थी उसको क्या कहा था अपने और आंतरिक परत जो थी उसको क्या कहा बाह्य परत जो होती है उसको बाह्य चोल कहा अपने और आंतरिक जो परत है उसको क्या कहा है अपने अंतः चोल फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि इसकी क्या होती है दो प्रकार की कोशिकाएं होती है सामान्यतः 60% जो प्लांट होते हैं 60% जो पादप होते हैं उनके अंदर दो कोशिकीय अवस्था होती है या दो केंद्र की अवस्था होती है और बाकी 40% जो पादप होते हैं उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर ये दो नहीं होकर के तीन केंद्र की अवस्था होती है समझ आ रही बात आपको तो इस प्रकार से अपन ने अभी तक ये पढ़ा था नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लघु बीजाणु जनन टॉपिक का नाम क्या था लघु बीजाणु जनन लघु बीजाणु जनन में अगर बात करें क्या होता है डेफिनेशन एक दो नंबर का जो छोटा क्वेश्चन पूछा था उसके डेफिनेशन में ही पूछा जाए कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं तो लिखना उसमें पराग कणों के निर्माण के लिए या पराग कणों के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं अपन लघु बीजाणु जनन कहते हैं समझ में आ रही बात माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं इसको दूसरा क्या नाम है इसका माइक्रो स्पोरोजेनेसिस
क्या कहते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान रखना हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दो नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन जो है उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। लघु बीजाणु जनन, और लघु बीजाणु जनन के अंदर अपन पढ़ने की कोशिश करें तो क्या होगा, जो परागकण है वो किस तरह से बने हैं, कौन सी ऐसी संरचना थी जिससे ये परागकण जाकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पादप जब वृद्धि कर रहा होता है तो उसका शीर्ष वाला जो भाग होता है, शीर्ष वाला भाग उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोडिया। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरल प्राइमोडिया कहते हैं। शीर्ष वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोडिया। अब इसके अंदर जो होती है कोई कोशिका होती है, कोई भी एक कोशिका हो सकती है, उसका कोई फिक्स नहीं है। कोई भी एक कोशिका जो है वो क्या करेगी, अपने आकार और आकृति में जो है वो बदलाव करेगी। और यहाँ वाली जो कोशिका होती है, कोई भी एक कोशिका, वो उसकी आकार और आकृति इन दोनों में चेंज करेगी, जिसकी वजह से जो होती है बाकी कोशिकाओं से भिन्न हो जाएगी। वो बाकी कोशिकाओं से भिन्न हो जाएगी तो उस कोशिका का नाम देंगे अपन आर्की स्पोरियल सेल। फ्लोरल प्राइमोडिया के अंदर जो कोशिका जो सामान्य आकार और आकृति से अलग हुई है उसको क्या कहें अपन ने, आर्की स्पोरियल सेल कहा है अपन ने। समझ में आ रही बात, नाम क्या इसका, आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल जो होती है वो विभाजित होती है, और विभाजित होने के बाद में क्या बनाती है, दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक बाहर की तरफ की कोशिका होती है जिसको क्या कहते हैं, परिधीय कोशिका, परिधीय कोशिका। दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है जननिक कोशिका। क्या होती है, जननिक कोशिका। समझ आ रही बात, जो पहले आर्की स्पोरियल सेल जो थी उसमें विभाजन हुआ, विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, पहली कौन सी है, परिधीय कोशिका, और दूसरी कौन सी है, जननी कोशिका। समझ रहे हो बात को, यह जो जननी कोशिका है, ये परिधीय कोशिका जो है वो क्या करेगी आगे, परागधानी जो होती है, जो परागधानी होती है, परागधानी जो होती है उसकी परत का निर्माण करती है। और परागधानी की परत को कितनी कोशिकाएं थी या कितनी परत थी उसकी, इसकी टोटल चार परत देखी थी अपन ने। सबसे पहला कौन सा था, एपिडर्मिस, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं एपिडर्मिस। दूसरा एंडोथीसियम, और तीसरा जो है वो कौन सी होती थी, मध्य परत। और लास्ट वाली कौन सी होती थी, चौथी, वो चौथी थी अपने एपिटर्म। समझ में आ रही बात, तो परिधि जो कोशिका होती है या परिधि जो कोशिका थी उसमें किसका निर्माण करेगी, वो परागधानी जो थी, लघु बीजाणुधानी जो थी उसकी बाहर की परतों का निर्माण करेगी। और क्या कहेंगे इसको अपन, परागधानी की भित्तियां, वो कितनी होती है टोटल, चार। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपन जननी कोशिका की। जननी कोशिका जो है वो आगे चल के लगातार विभाजन करती है, और लगातार विभाजन करने के बाद में जो है वो किसका निर्माण करती है अपने, परागकणों का। इसका निर्माण करती है परागकणों का। समझ गए होंगे बात को, परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद। क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद। समझ में आ रही बात तुम्हारे को, तो कुल मिलाकर के जो लघु बीजाणु जनन जो है, अगर वो बड़ा क्वेश्चन आता है, तीन नंबर में क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो क्या होता है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया या परागकण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर उसके बाद में डायग्राम स्टार्ट करेंगे कि फ्लोरल प्राइमोडिया जो है पुष्प आदर्श, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुष्प आदर्श, पुष्प आदक वाला जो भाग होता है वो क्या करता है, ये पुष्प आदक जो होता है उसकी कोई भी एक कोशिका जो होती है वो आकार और आकृति में क्या होती है, सामान्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है। और उस कोशिका का नाम अपन क्या देते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल जो होती है वो दो अलग अलग भागों में विभक्त होती है। इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, इसमें विभाजन होने से दो कोशिकाएं बनती है, एक परिधीय कोशिका और दूसरी कौन सी होती है,
जननी कोशिका, परिधीय कोशिका जो होती है वो परागधानी की परत का निर्माण करती है, और अंदर वाली सॉरी जननी कोशिका जो होती है वो किसका निर्माण करती है, पराग कणों का निर्माण करती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझे, मान लेते हैं यहाँ वाली जो कोशिका की आकार और आकृति में कुछ इस तरह से होगी, सामान्य कोशिकाओं से अलग हो गई। इसको अपन ने नाम दिया आरपी स्पोरियल सेल। क्या नाम दे इसको? आरपी स्पोरियल सेल। फिर उसके बाद में जो है वो क्या कर सकती है, आगे दो विभाजन करी है, और विभाजन क्या होंगे, परिणत विभाजन होंगे। जो विभाजन ऐसे होते हैं, जो विभाजन कोशिका के अनुप्रस्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, परिणत विभाजन कहते हैं, और ये वाले जो कोशिका के परिधि के चारों तरफ इस तरह से होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन अपनत विभाजन कहते हैं। तो ये कोशिका कैसे परिणत विभाजन करती है, और परिणत विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक ये कोशिका बन गई और एक ये कोशिका, मतलब कुल मिला के ऐसे दो बने, एक बाहर की तरफ बन गई और एक अंदर की तरफ बन गई। जो बाहर वाली कोशिका जो आगे चल कर किसका निर्माण करेंगी, इसकी परिधियों का निर्माण करेंगी, समझ आ रही बात, पराग कोशिका इनका, और ये आगे चल के किसका निर्माण करेगी, पराग कणों का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, पराग कणों का निर्माण करेगी। समझ में आ गई बात तुम्हारे को? अरे समझ गए होंगे, जल्दी से एक बार थोड़ा हाथ पेन और कॉपी जो है साथ रखें, और जो जो लिख रहे हैं उसको साथ साथ में लिखते भी चले, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें इसको। बाकी इसकी पीडीएफ के थ्रू आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, नोट्स जो भी है मेडल सभी ने देख लिया होगा अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। वो ये वाला तो हो गया अपना एक डायग्राम लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। अब जो लघु बीजाणु अपने कहा है कि परागकण का निर्माण करेगी, भित्तियों का निर्माण तो कर लेगा, जैसे मान लेते हैं अपने पास में कोई कोशिका थी उसका लीफ पैड होनी है, ये वाला भाग जो कोशिका थी वो विभाजन करी, उसके बाद में आगे चला और विभाजन करने के बाद में क्या हुआ, दो प्रकार के विभाजन, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। ऊपरी भाग जो है उस तरह से हो गया, और निचला भाग धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होगा, जो बाहर वाला जो भाग था वो इस तरह से परिवर्तित होगा, और बाहर वाला भाग क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से लघु बीजाणुधानी बन गई। अब इसके अंदर ये वाली जो कोशिकाएं हैं, ये वाली जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं वो क्या होगी, लगातार विभाजन करेंगी, और एक कोशिका से जो परिधीय कोशिका सॉरी जननी कोशिका जो थी, जननी सेल जो थी वो क्या करेगी, विभाजन करेगी, और विभाजन के पश्चात क्या करेंगी, एक कोशिका से दो का निर्माण करेंगी, और दो से कितने का, चार का निर्माण करेंगी। जो पहले कोशिका द्विगुणित हुआ करती थी 2n जो थी वो आगे यहाँ आकर के कैसे हो जाएगी n, और ये n कोशिकाएं क्या करेगी, आगे चल करके बीजाणुओं का निर्माण करेगी, परागकणों का निर्माण करेगी। इसका निर्माण करेंगी ये परागकणों का, समझ में आ रही बात तुम्हारे को? ये वाली जो होती है किसका निर्माण करेगी, परागकण, और परागकण कैसे होते हैं, अयुग्मित होते हैं, समझ में आ रही बात? तो इस तरह से क्या होता है इसका फ्लो चार्ट डायग्राम आपके सामने इस तरह से है। तो आपको कहा जाए कि एक आरपी स्पोरियल सेल जो होती है वो कितने परागकणों का निर्माण करती है, तो कितने का निर्माण करती है, चार परागकणों का। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है नीट वगैरह में कि एक आरपी स्पोरियल सेल जो है वो कितने परागकणों का निर्माण करेगी। क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी एक आर्की स्पोरियल सेल जो होती है वो कितने परागकणों का निर्माण करेगी, समझ में आ रही बात? या फिर इसको ऐसे भी कह सकता है कि एक जननी कोशिका जो है वो कितने परागकणों का निर्माण करेगी, तो कितने का करेगी, चार का। अभी जो परागकण जो होते हैं वो आपस में एक चतुष के रूप में कैसे, इस तरह से, अब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अब ये चार परागकण बने हैं उसको क्या कहते हैं अपन, ये जो चार परागकण बने हैं उसको क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं, टेट्राड कहते हैं इनको, समझ में आ रही बात? ये क्या होते हैं, टेट्राड होते हैं, चतुष्क होते हैं। अब ये चतुष्क जो होते हैं वो अलग अलग पादपों में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जैसे कुछ एक पादप जो होते हैं उनमें इस तरह से भी व्यवस्थित होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, टी शेप, क्या कहते हैं इनको, टी शेप।
समझ आ रही बात? जो चार लघु बीजाणु बने हैं या चार परागकण जो बने हैं वो क्या होते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं टी से, या फिर कैसे हो सकते हैं, ये इस तरह से भी हो सकते हैं कि तीन आपको सामने दिखे और एक पीछे हो। समझ आ रही बात? ये कैसे हो जाएंगे? इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल, है ना, चतुष्फलकीय कहते हैं। चतुष्फलकीय। फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों परागकण जो होते हैं कुछ इस तरह से बने, चारों परागकण जो होते हैं वो इस तरह से बने, इसको क्या कहते हैं अपन? स्क्वायर समतलीय। समझ आ रही बात? इसको क्या कहेंगे अपन? समतलीय या स्क्वायर कहेंगे। समझ आ रही बात? तो कुल मिलाकर के आपके जो परागकण जो निर्मित हुए थे, एक बड़ा क्वेश्चन अगर इसमें से आता है, केवल छोटी परिभाषा आती है आपकी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, बड़ा क्वेश्चन आ गया तीन नंबर का, तो तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अपने को सब कुछ करना होगा जो अपने पहले किया था वो पूरी ये वाला था। समझ आ रही बात? और छोटा क्वेश्चन आता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, और एक नंबर का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर केवल परिभाषा लिखनी होगी आपको, और उसमें क्या लिखना होगा आपको? लघु बीजाणु जनन में पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? लघु बीजाणु जनन, जब एक नंबर का क्वेश्चन आए। और जब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आए, दो तीन चार पांच नंबर का क्वेश्चन आए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो पहले क्या लिखेंगे अपन? वो वाला जो पहले अपन ने मिटाया है, फिर उसके बाद में ये वाला सब चीज, ठीक है? तो ध्यान रखें, क्वेश्चन जिस तरह से आया हुआ, क्वेश्चन की जैसे मार्किंग है उसी के अकॉर्डिंग नाम लिखें, हर कई जगह पर बड़े क्वेश्चन नहीं मेंशन करें। समझ आ रही बात? तो इस प्रकार से जो है अपने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आप पढ़ते हैं आगे, गुरु बीजाणु। अभी तक अपन ने देखे तो एक पुष्प इस तरह से लिया था अपने, और पुष्प के ये वाले भाग अपने सामने उपस्थित थे। ये अपन ने पढ़ा था, ये वाला हो गया बाह्य दल, फिर उसके बाद में ये वाला हो गया दल, और ये वाला क्या हो गया? इसके पुंकेसर, और ये वाला क्या हो गया? स्त्री केसर। समझ आ रही बात? पुंकेसर की जो भी स्ट्रक्चर की वो पढ़ने पढ़ ली है, अब आगे पढ़ते हैं अपन पुंकेसर, सॉरी स्त्री केसर की बात करते हैं। स्त्री केसर की बात करें तो अपने सामने कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं उनकी बात करते हैं अपन। ये स्त्री केसर वाला जो भाग था उसकी बात करते हैं अपन इसकी, तो इसका टॉप वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? वृत्तिकाग्र। क्या होता है? वृत्तिकाग्र। फिर उसके बाद में ये होती है वृत्तिका, ये वाला हो गया दूसरा वृत्तिका, और तीसरा ये वाला कौन सा भाग हो गया? अंडाशय। समझ गए होंगे बात को? अब बात करते हैं गुरु बीजाणु जो होते हैं उसकी बात करते हैं, गुरु बीजाणु क्या होते हैं? तो उनके स्त्री केसर जो होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं स्त्री केसर के? स्त्री केसर जो होता है उसके कितने भाग होते हैं? टॉप वाला जो भाग होता है उसको वृत्तिकाग्र कहते हैं, फिर इसके बाद में लंबी नलिकाकार संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? वृत्तिका कहते हैं, और फिर उसके बाद में जो खुला हुआ भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? अंडाशय। अब अंडाशय जो होता है उसके अंदर, यहाँ से मैं थोड़ा सा भाग काट के इसको अलग कर लेता हूँ, अंडाशय के अंदर अपने को बीजाणु दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बीजाणु। इस तरह की संरचना जो होती है वो यहाँ पर लगी रहती है। समझ आ रही बात? अब देखो इस तरह की संरचना जो होती है आपको अंदर दिखेगी, जैसे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको ये वाली संरचना इसके अंदर दिखेगी, और ये संरचना कैसी होती है अक्षर में? ऐसी होती है। समझ आ रही बात? तो कहा जाए पुंकेसर के, सॉरी स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो कितने भाग होते हैं? वृत्तिकाग्र, दूसरा होता है वृत्तिका, और तीसरा क्या होता है? अंडाशय। समझ आ रही बात? ये तीन भाग होते हैं। फिर कहता है कि अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना क्या होती है? बीजाणु, और इसी बीजाणु को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु, सॉरी गुरु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसी बीजाणु को? गुरु बीजाणु। तो क्या कहेंगे अपन? बीजाणु या गुरु बीजाणु। समझ रहे हो बात को? गुरु बीजाणु कहेंगे इसी को, या फिर इसी को क्या कहेंगे अपन? बीजाणु। दोनों किसी एक ही के नाम है, ध्यान रखना। समझ आ रही बात? तो छोटा क्वेश्चन नहीं बनता है इस तरीके से, कितने भाग होते हैं छोटी क्लासों के लिए, तुम्हारे डिविजन नहीं बनेगा ये,
कि स्त्री के शरीर के कितने भाग होते हैं, तो कितने भाग हुए, तीन, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर पाया जाता है गुरु बीजाणु। अब देखो आप गुरु बीजाणु की संरचना, यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इस चीज का। गुरु बीजाणु की संरचना, गुरु बीजाणु अक्षर में क्या है, बीजांड, या फिर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बीजांड की संरचना। तो ध्यान रखना आपके सामने दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन के होंगे, ध्यान रखना। तो या तो ऐसे पूछ सकता है कि गुरु बीजाणु की संरचना का वर्णन कीजिए या नामांकित चित्र बनाइए, या फिर कह सकता है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। समझ में आ रही बात तुम्हारे को? तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, समझ रहे? थर्ड क्वेश्चन अपना बन रहा है बड़ा, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कैसे संरचना होती है। ऐसे अपनी संरचना देखने को मिलती है इसकी, इसको क्या कहते हैं अपन, बीजांड। अब इसका नामकरण करेंगे कौन कौन क्या होती है, तो ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं बीजांड ग्रंथ। क्या कहते हैं इसको, बीजांड ग्रंथ। समझ रहे बात को? बीजांड ग्रंथ के अंदर जो है छोटी सी एक संरचना पाई जाती है, गहरी पोषक तत्व युक्त संरचना पाई जाती है जो पोषण प्रदान करने का काम करती है, इसको कहते हैं अपन रेफे। क्या कहते हैं, रेफे। समझ आ रही बात, जहां से जो बीजांड जुड़ा होता है उस वाले तंतु को क्या कहते हैं अपन, बीजांड ग्रंथ। और बीजांड ग्रंथ के अंदर जो होती है उस पोषक संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, रेफे कहते हैं। समझ आ रही बात? अब देखो अपन ने कुछ दो भाग बनाए इसके, एक ये वाला और एक ये वाला। बाहर वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण। क्या कहते हैं इसको, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। समझ आ रही बात? फिर उसका अंदर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अंत अध्यावरण। क्या कहते हैं इसको, बाह्य अध्यावरण, और दूसरा कौन सा होता है, अंत है अध्यावरण। समझ रहे हो बात को? तो ध्यान रखिए इसका, किस ग्रंथ नुमा संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इसके अंदर पोषक संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, रेखे कहते हैं। और ये वाली जो संरचना है जिसमें बाहर की तरफ दो संरचनाएं पाई जाती है, एक को कहते हैं बाह्य अध्यावरण और दूसरा होता है अंत अध्यावरण। देखो ये बीजांड का युवा वाला भाग जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, अध्यावरण यहाँ पर अनुपस्थित है, दोनों अध्यावरण नहीं यहाँ पर, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं इसको। समझ में आ रही बात तुम्हारे को? ये क्या होता है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के जो सामने वाला जो भाग होता है, बीजांड द्वार के अपोजिट वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन, चेलेजा। समझ आ रही बात तुम्हारे को? इस वाले भाग को क्या कहते हैं, चेलेजा। और ये वाला जो भाग होता है जो अपने को अभी खाली दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो खाली वाला भाग जो दिख रहा है अपने को, उसको क्या कहते हैं, भ्रूण कोष। ध्यान रखना ये भ्रूण कोष है, कोष नहीं है। समझ आ रही बात? इसको क्या कहते हैं अपन, भ्रूण कोष। समझ रहे हो बात को? ये अपने छोटा दो नंबर का केवल डायग्राम बनाने की बात कहें तब करना है। तो ये डायग्राम किसका हो जाएगा, अपने गुरु बीजाणु, ये जो गुरु बीजाणु है उसका डायग्राम है ये। समझ आ रही बात? अब गुरु बीजाणु के अंदर देखो एक बार फिर से देख लें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। आपको पांच सात नाम लिखने होंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, इसीलिए इसको ध्यान रखें। यहीं पर प्रैक्टिकल में जब आपको सामने होगा तो यहाँ पर हटा दिया जाएगा उसको, लिख दिया जाएगा ए, यहाँ पर हटा दिया जाएगा उसको लिख दिया जाएगा बी, और यहाँ पर हटा करके इसको लिख दिया जाएगा सी डी। जो भी है पांच छह नाम लिखने होते हैं आपको, सात नाम लिखने होते हैं। अब ये सात नाम जो होते हैं कोई भी उठा करके इसमें डाल सकता है। तो प्रैक्टिकल में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ए बी सी डी लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा कि दिया गया प्रादर्श जो होता है वो क्या है, पहचानो इसको। फिर उसके बाद में ए बी सी डी जो भी है वो क्या है, कौन से जगह पर पाया जाने वाला है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपके थ्योरेटिकल रूप से तो है इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। समझ रहे हो आपको?
तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु बीजाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाएं, केवल इतना कहता है तो आपको केवल इतना सा बनाना है। फिर उसके बाद में कहे कि बीजाणु जो होती है उसकी संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इतना कहता है तो यही बनाना है आपको। बाद में कुछ बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो 3-4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो उसमें क्या करता है कि गुरु बीजाणु जो संरचना, गुरु बीजाणु जो होता है उसकी संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। यहाँ पर नामांकित चित्र के साथ साथ क्या बोला इसने, वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने के लिए क्या करेंगे अपन, ये नामांकित चित्र जैसा है वैसा का वैसा बना देंगे। फिर बोलेंगे गुरु बीजाणु जो है एक लंबी तंतुनुमा संरचना से अंडाशय से जुड़ता है, उस भाग को क्या कहते हैं अपन, बीजाणु ग्रंथ कहते हैं। बीजाणु ग्रंथ के अंदर जो होती है एक छोटी संरचना होती है जो पोषक तत्व देने का काम करती है, क्या कहते हैं, पोषक तत्व देने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं अपन, रेफे कहते हैं। फिर उसके बाद में बात करें आगे, ये वह वाला भाग जो उसके भ्रूण कोश के बाहर की तरफ का भाग जो होता है वो दो आवरणों से घिरा रहता है, एक बाह्य आवरण जो होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण, और एक आंतरिक आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक अध्यावरण। समझ वाली बात। फिर एक वह स्थान जहां पर दोनों अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उस वाले भाग को क्या कहते हैं अपन, बीजाणु द्वार कहते हैं। समझ वाली बात। बीजाणु द्वार के जस्ट अपोजिट वाले भाग को, जो सामने वाले भाग को क्या कहते हैं अपन, चेलेजा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्णन इसका कर दोगे तो ये आपका एक बढ़िया 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन भी तैयार हो गया है। छोटा क्वेश्चन भी होता है बड़ा क्वेश्चन भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी। देखिए बच्चे कितने हैं, कम कम।